नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन एक्सट्रीम टीचिंग विद लिवजीत। जैसे कि हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं, हमने ऑलरेडी कुछ टॉपिक पे वीडियोस अपलोड करी हैं। सो टुडे टॉपिक इज मिरर फॉर्मूला फॉर कनकेव मिरर। सबसे पहले मिरर फॉर्मूला होता क्या है? इट इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ and distances of object and images. In mathematically, 1 upon f equal to 1 upon v plus 1 upon u. ये आप लोगों ने 10th क्लास में इसको सिर्फ मिरर फॉर्मूले को एज ए न्यूमेरिकल्स में यूज करा होगा। हेयर f क्या है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दिस इज फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, v डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। हमारे पास दो तरह के हमने मिरर पढ़े हैं, बट हम सबसे पहले मिरर फॉर्मूले को कनकेव मिरर से एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले कनकेव मिरर, आप लोग सभी जानते हो कि कनकेव मिरर की आउटर साइड पॉलिश्ड होती है और इनर साइड रिफ्लेक्टेड होती है। यदि हम उसको एक सर्कल में बनाए तो जो इसका सेंटर आएगा दैट इज c। c क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। यू नो एवरी वन, सेंटर ऑफ curvature. Here P, which is the midpoint of the mirror, is called pole. और PC हमारा क्या होता है? R, that is radius of curvature. Radius of curvature. कनकेव मिरर में जब हम ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखते हैं तो उसकी इमेजेस पे डिपेंडिंग ऑन दी डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट दो इमेजेस होती हैं, वो अलग अलग तरह की बनती हैं। कई बार उसकी इमेज रियल बनती है, कई बार उसकी वर्चुअल बनती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रियल इमेज के लिए एक्सप्लेनेशन करेंगे मिरर फॉर्मूले की। कहते हैं कि जब हम ए बी, लेट अस सपोज कि ए बी हमारा एक ऑब्जेक्ट है, इसको हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा दूर रखा है, बियॉन्ड दी सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस। हियर प्रिंसिपल फोकस, यू नो एफ इज इक्वल टू 1/r/2। लास्ट वीडियो में हमने करा था ये रिलेशन कि फोकल लेंथ हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है, तो उसी इमेजिनेशन से मैंने इसका पीसी का हाफ करके एफ बना लिया। तो एफ से हम जब ऑब्जेक्ट को थोड़ा दूर रखते हैं तो कहता है जो इमेज फॉर्म्ड होती है वो रियल होती है। अब हम उसको देखते हैं कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑब्जेक्ट इज द ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दिस line is called straight line is called principal axis. You know everyone. सबसे पहले हम एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फॉल करवाएंगे मिरर पे। फर्स्ट रे फॉल ऑन इंसिडेंट ऑन द मिरर एट पॉइंट डी। इट पैरेलल लाइन जब भी मिरर से टकरा के जाती है वो हमेशा फोकस पॉइंट से क्रॉस होके निकलेगी। सेकेंड रे हम पोल में से पास करवाएंगे, जिसको हम दो एरो से डिफाइन कर रहे हैं, और ये दोनों रे जब जहां पे आपस में मीट करेंगी वहां पे आपका क्या बनेगा? इमेज बनेगी। इमेज को हम ए डैश बी डैश से स्पेसिफाई करते हैं। और एक थर्ड रे लेते हैं जो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करवाएंगे। वो क्या करती है? जैसे जाएगी वैसे ही अपना पाथ रिट्रेस करके मिरर से टकरा के वापस आएगी। तीनों रेस जहां पे मीट करती हैं वहां पे हमारा इमेज फॉर्म्ड होती है। तो देखो ध्यान से कि ए बी जो है वो ऑब्जेक्ट है और ए डैश बी डैश आपकी इमेज है। तो इस तरह जब ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट से, प्रिंसिपल फोकस से दूर होता है तो उसकी इमेज एक तो रियल बन रही है, दूसरी उल्टी इन्वर्टेड बन रही है, और साइज में क्या बन रही है? छोटी बन रही है। तो इसके लिए हम अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ये इंसिडेंट रे आई एंगल बनाएगी और ये एंगल आर बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सबसे पहले हम करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी। दोनों क्या है? सिमिलर। सभी जानते हो सिमिलर ट्राइंगल्स कैसी बनती है। मैथमेटिक्स में हम पढ़ चुके हैं सिमिलर ट्राइंगल्स कैसे होती हैं। उसके लिए हमारे पास वो रूल्स होते थे, 3 साइड्स का एंगल, साइड एंगल, उसी का यूज करके हम यहाँ पे ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि ये ट्राइंगल सिमिलर है। और जब ट्राइंगल सिमिलर होती है तब हम एक रूल लगाते हैं कि उनकी ऑपोजिट्स कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो भी क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ पे हम लेंगे ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू सी बी अपॉन सी बी डैश। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगेन सेकेंड ट्राइंगल लेंगे। सेकेंड ट्राइंगल इज ट्राइंगल ए डैश ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी आर सिमिलर। ए बी पी ये फुल ट्राइंगल, ए डैश बी डैश पी और ये फुल ट्राइंगल। तो उसमें भी हमारा यही रूल फॉलो करेंगे कि ए डैश ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी बी अपॉन पी बी डैश। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। लास्ट दोनों इक्वेशंस को देखो तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। तो जब किसी दो इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल होती है, उनकी राइट हैंड साइड्स भी आपस में क्या होती हैं, इक्वल। फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट सी बी अपॉन सी बी डैश इज इक्वल टू पी बी अपॉन पी बी डैश। दिस इज द रिलेशन हमें फाउंड हुआ है। तो फ्रॉम फिगर हमें पता है पीएफ क्या है, पोल से प्रिंसिपल फोकस के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। ये हमारी इमेज है, इमेज से पोल तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, वी। और ऑब्जेक्ट के पोल तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, यू। हमें सिर्फ ये 3 डिस्टेंसेस नोन है, अदरवाइज बाकी सारे डिमेंशन हमारे लिए अननोन है। तो हमें क्या मिला, सी बी और सी बी डैश, पी बी, पी बी डैश। पी बी देखो, पी बी डैश हमें पता है और पी बी पता है हमें, सी बी और सी बी डैश ये दोनों डिस्टेंसेस हमारे लिए अननोन है। तो हम क्या करेंगे, इस डायमेंशंस को नॉन थिंग्स में लेके आएंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नाउ मेजरिंग ऑल डिस्टेंसेस फ्रॉम पोल। हम सारे डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं, फ्रॉम पोल। वी गेट सीबी। सीबी कौन सा डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस सी बी। तो हमें पता कौन सा डिस्टेंस है, ये फुल डिस्टेंस पता है और पीसी पता है। तो हम सीबी को इस तरह से लिख सकते हैं, पी बी माइनस पी सी। सिमिलरली सीबी डैश डिस्टेंस कौन सा है, सीबी। तो मैं पीसी में से पीबी डैश माइनस कर दूं तो हमें ये डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो पीसी माइनस पीबी डैश। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 ये दोनों चीजें हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारी इक्वेशन क्या बनती है, पीबी माइनस पीसी अपॉन पीसी माइनस पीबी डैश इक्वल टू पीबी अपॉन पीबी डैश। यूजिंग न्यू साइन कन्वेंशंस हमें सारी साइन कन्वेंशंस का पता है। तो पीसी हमारा कनकेव मिरर में हमारे सारे डिस्टेंस बैकवर्ड है तो सारे के सारे क्या होंगे, नेगेटिव। तो पीसी हमारा बनेगा नेगेटिव आर, पी बी नेगेटिव यू, पी बी डैश नेगेटिव वी। ठीक है, ये हमें पता है डिस्टेंस सारे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 ये सारे डिस्टेंस हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट करते हैं, पी बी माइनस यू माइनस माइनस आर अपॉन माइनस आर माइनस माइनस वी इक्वल टू पी बी माइनस यू अपॉन माइनस वी। ये माइनस के साथ माइनस कट गया, माइनस यू माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस आर माइनस आर प्लस वी इक्वल टू यू अपॉन वी। तो इनको करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वी माइनस यू प्लस आर इक्वल टू यू माइनस आर प्लस वी। मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन गया यू बी, ये बन गया वी इंटू आर माइनस यू इंटू आर प्लस यू वी। अब यू बी को एक तरफ ले जाऊं, यू आर को मैं इधर ले आऊं तो वी आर प्लस यू आर, ये दूसरी तरफ जाएंगे तो यू बी प्लस यू बी कितना बन जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ यू बी। हमारे पास क्या इक्वेशन आई है, यू आर प्लस वी आर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ यू बी। डिवाइडिंग होल इक्वेशन को आप डिवाइडिंग बाय यू वी आर, इस इक्वेशन से डिवाइड कर दो तो यू आर अपॉन यू वी आर प्लस वी आर अपॉन यू वी आर 2 टाइम्स ऑफ यू बी अपॉन यू बी आर। तो ध्यान से देखिए यू के साथ यू, आर के साथ आर, इसमें वी और आर, इसमें यू वी यू वी। रिमेनिंग हमारे पास बचा 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इक्वल टू 2 अपॉन आर। तो मैं इसको 1 अपॉन आर बाय 2 भी लिख सकती हूँ। तो एस वी नो, हमने लास्ट आर्टिकल में पढ़ा था तो एफ क्या होता है, आर बाय 2। तो रीअरेंज करो तो इसमें हमारा बन गया 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर मिरर फॉर्मूला। स्टूडेंट, ये था आज का टॉपिक मिरर फॉर्मूला फॉर कॉन्केव मिरर। हमारे सभी टॉपिक्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।